आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सारा सिद्दीकी एंड आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। करंटली आई एम वर्किंग इन ओएसएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी बाय सारा सिद्दीकी व्हिच इज माय ओन सेटअप फाउंडेड लास्ट ईयर। आई हैव अराउंड 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डीलिंग विद clients of having different disorders like autism, cerebral palsy, Down syndrome, developmental disorders, stroke, and others. Today, my topic of discussion is sensory therapy and its effectiveness in autism. So, first of all, I will let you know what is autism actually. Autism is a disorder which affects a person's brain. For example, if it's a kid, ek bachcha hai, to uske baad बिहेवियर्स अफेक्ट होंगे और उसकी सोशल कम्युनिकेशन अफेक्टेड होगी। बिहेवियर्स फॉर एग्जांपल आपने नोट किया होगा कि बाज़ बच्चे टिपटो वॉकिंग करते हैं, बाज़ बच्चे हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और इसके अलावा बाज़ बच्चे हेड बैंगिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्लम्सी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा बच्चों की स्पीच नहीं होती है। ये सारे इशूज़ ऑटिज़म में आते हैं। अच्छा, इनकी जो रूट कॉज होती है नज़र आ रहे हमें तो ये बिहेवियर की प्रॉब्लम्स लग रहे होते हैं और स्पीच इशू लग रहा होता है, लेकिन बिहाइंड दोज बिहेवियर्स सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। सेंसरी इश्यूज ऑटिज्म के बच्चों में बहुत कॉमन है। एक्चुअली होता क्या है कि जिस तरीके से हम अपनी इन्वायरमेंट को परसीव कर रहे हैं नॉर्मली वाया आवर सेंसेस ऑफ टच, विजन, हेयरिंग, वेस्टिब्यूलर सेंस, वाया प्रोप्रियोसेप्शन, जिस तरीके से हम अपनी इन्वायरमेंट को परसीव कर रहे होते हैं नॉर्मली, ऑटिज़म के बच्चे इस तरीके से इन्वायरमेंट को परसीव नहीं कर रहे होते। या तो वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं अपनी कुछ सेंसेस को लेकर, या वो हाइपो सेंसिटिव होते हैं अपनी कुछ सेंसेस को लेकर। अब हाइपर सेंसिटिविटी में क्या आता है कि वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा अराउज हो सकते हैं, बी इट टच, विजन, हेयरिंग, टेस्ट, वेस्टिब्यूलर सेंस और प्रोप्रियोसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बाज़ बच्चे टिपटो वॉकिंग करते हैं। टिपटो वॉकिंग वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि या तो वो अपनी टोज पे प्रेशर सीक कर रहे होते हैं या फिर वो टच को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। सिमिलरली कुछ बच्चे ज़्यादा आपने देखा होगा कि लोगों को टच करना चाह रहे होते हैं, आपको हग ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं, वो भी एक टच की हाइपोसेंसिटिविटी है। इसके अलावा बाज़ बच्चे लाउड नॉइसेस को सुनते साथ ही अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर हाइपर सेंसिटिव टू ऑडिटरी स्टिमुलेशंस। इसके अलावा बाज़ बच्चे मुसलसल गुनगुनाते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, कोई ना कोई बात करते रहते हैं, सेल्फ टॉकिंग करते रहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर हाइपर सेंसिटिव टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। इसी तरह से बाज़ बच्चे किसी भी चीज़ को ज़्यादा स्टेयर कर देखते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नीड एक्स्ट्रा स्टिमुलस ऑफ विजन, उनको ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होती है। इसी तरीके से बाज़ बच्चे अपनी आइज़ को स्क्वीज करके कुछ चीज़ों को देखते हैं क्योंकि उनके लिए जो चीज़ हम नॉर्मली देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं वाया आवर विजन, वो उस चीज़ को उसके लिए थ्रेशोल्ड लेवल जो है उनका वो बहुत लो होता है और वो बहुत जल्दी उससे अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसके स्टिमुलस को रोकने के लिए अपनी आंखों को भींच लेते हैं, बंद कर लेते हैं। इसी तरीके से वेस्टिब्यूलर सेंस आ जाती है कि बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, बेड के कॉर्नर्स पर चलना उनके लिए आम बात होती है, ऊंची स्लाइड्स ले लेते हैं, और बाज़ बच्चे जो होते हैं वो फॉल से भी बहुत ज़्यादा फियरफुल होते हैं और लिफ्ट से बहुत स्केयर्ड होते हैं। तो ये सारा कुछ भी वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपोसेंसिटिविटी में आ जाता है। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो उनकी होती है वो अफेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जो होते हैं वो मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सीख करते हैं, इसी वजह से हम लोग देखते हैं तो हम कहते हैं दिस चाइल्ड इज़ वेरी हाइपर एक्टिव, ऑलवेज ऑन दी गो, क्लम्सी, अनकोऑर्डिनेटेड। तो ये सारी चीज़ें सेंसरी इश्यूज होती हैं, इसी वजह से बच्चे फिर हैंड फ्लैपिंग करते हैं। वेरी कॉमन, आप लोगों ने लफ्ज़ सुना ही होगा स्टेमिंग का, बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, समटाइम्स हेड बैंगिंग भी करते हैं, समटाइम्स डिफरेंट आवाज़ें निकालते हैं। तो ये सारा कुछ सेंसरी इश्यूज की वजह से होता है। अब इस सब को डील करने के लिए हमें सेंसरी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज सेंसरी थेरेपी? सेंसरी थेरेपी में बच्चे की सारे सेंसेस को टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल टच के लिए हम बच्चे को टच के अप्रोप्रिएट स्टिमुलस देंगे। अब इफ द चाइल्ड इज सीकिंग टच तो हम उसको
प्रॉपर टैक्टाइल मैट्स बना सकते हैं उसके लिए, हम उसको काइनेटिक सैंड के थ्रू खिलाएंगे, हम उसको थेरापटी के थ्रू खिलाएंगे, और हम उसके लिए डिफरेंट, उसके हाथों के लिए और उसके पाँवों के लिए डिफरेंट स्टिमुलस अरेंज करेंगे। इफ़ ही इज़ लाइकिंग सम काइंड ऑफ स्टिमुलस तो हम वो वाला उसको ज़्यादा दे सकते हैं ताकि उसकी नीड वहीं पे पूरी हो जाए और वो दूसरे लोगों को और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा हाफ ना लगाए। और इसके अलावा अगर एक बच्चा टैक्टाइल डिफेंसिव है, टैक्टाइल सेंस को वो अवॉइड करता है, तो उसके लिए भी हम उसको स्लोली स्लोली डिसेंसिटाइज करेंगे, उसको स्लोली स्लोली उसको डिफरेंट टेक्सचर्स देंगे, सॉफ्ट टेक्सचर्स देंगे, हार्ड टेक्सचर्स देंगे, रफ टेक्सचर्स देंगे, स्मूथ एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ टैक्टाइल सेंसिटिविटी और ये उसकी सेंसरी थेरेपी होगी। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा ऑडिटरी सेंसिटिविटी रखता है तो उसके लिए हम डिफरेंट साउंड्स और म्यूजिक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम राइम्स यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट्स अ किड, और उसको काम डाउन करने के लिए भी इवन हम डिफरेंट म्यूजिक्स और साउंड्स, कामिंग साउंड्स यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम कलरफुल लाइट्स यूज़ करते हैं, कलरफुल लाइट्स बहुत अच्छी रहती हैं अगर किसी को विजुअल सेंसिटिविटी है। एंड फॉर प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर स्टिमुलेशंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस मोड ऑफ equipment is gym ball and swing and trampolines, but उनको use करने की भी कुछ techniques होती हैं, कुछ तरीके होते हैं। Sometimes we do slow spinning, sometimes we do fast spinning, sometimes we do slow jumping, sometimes we do fast jumping and we do give pressures with therapy balls. तो ये सारा कुछ होता है sensory therapy में और ये सारा कुछ अफेक्टिव रहता है ऑटिज्म के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग खुद भी एक किसी एक एक्सपर्ट की एडवाइस के थ्रू घर में भी सेंसरी थेरेपी करवा सकते हैं एंड यू कैन सी मार्वलस रिजल्ट्स इन योर चाइल्ड्स बिहेवियर। सो दिस इज़ ऑल, नॉट ऑफ कोर्स ऑल, बट दिस इज़ अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेंसरी थेरेपी। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो यूजफुल देन यू कैन यूज़ इट for your help, for your child at your home. And if still you have questions, you can consult Ola Doc for booking of my appointment. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।